आज मकर संक्रांति महापर्व मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मेरे यूट्यूबर फैमिली को विशेषकर। दोस्तों आज 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति का त्यौहार है और इस दिन कहीं गेंदी मेला लगता है, कहीं मेले आयोजन होते थे पर लेकिन इस बार कोरोना के कारण शायद ना हो। और मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है इस विषय में थोड़ी बहुत बात करेंगे। पर आज जो सूर्य भगवान होता है वो दक्षिण से उत्तरायण यानी दक्षिण से उत्तर की ओर आता है और आज उत्तर दिशा में प्रवेश करता है। या ये सोच लीजिए आप कि आज मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप सभी को एक बार पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ और चलते हैं सुबह का। आज देखिए सूरज भी चटक खिला हुआ है, बैक साइड से भले दिखाई ना दो, बहुत ही फ्लैश लाइट दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों मकर संक्रांति का सूरज खिला हुआ है। और दोस्तों आज नहा धोके तैयार होके चलते हैं कहीं घूमने के लिए और मकर संक्रांति मनाते हैं विशेषकर। दोस्तों जो जो यहाँ रहता है अब इसको खोल देते हैं। जो जो आओ जो जो सबसे पहले पाँव में लिपटता है। जो जो कम 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 है ग्राम सभा आठ वाकल अंदर का मैं देख रहा कहीं पौड़े थे लागा तुम बाबा द्वि चार हो निशा निशान कौच निशान अभी ओला। दोस्तों आज सुबह से तबीयत खराब है और स्नान भी कर दिया, अब जा रहा हूँ मैं दवाई लेने मेडिकल में, यहाँ तक कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठंड भी लग रही है और हाथ पांव भी टूट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अकड़ सी गई हो शरीर, क्योंकि बाइक का सफर आजकल बहुत बहुत ही टफ होता है और नहीं करना चाहिए, क्या करे है ही मेरा ऐसा काम बाइक वाला। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में, चलते हैं दवाई लेते हैं और आज का जो भी थोड़ा बहुत गतिविधि रही आपके साथ बांटेंगे। तैयार है, तबीयत एकदम ठीक होगी तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, बने रहे दोस्तों। हाँ दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं तिवारी मेडिकल। दोस्तों इस समय आप देख रहे हो हमें तिवारी मेडिकल से और इस समय हमारे साथ हमारे बड़े भाई जी भारत सिंह गुसैन जी बैठे हुए हैं। अपने जमाने के बहुत ही मजेदार कलाकार, इनके अंदर इतनी प्रतिभा छुपी हुई है पर लेकिन उस समय में संचार माध्यम कुछ न था और थोड़ा बहुत घर की कमी बेसिक आर्थिक सहायता भी तंगी आई, आर्थिक मदद भी नहीं हो पाया तो भाई कहीं ना कहीं पिछड़ चुके उस क्षेत्र उस कलाकार में। और आपको सुनाते हैं उनके उस समय के बनाए हुए गीत। भाई ने यहाँ मेरे कोडिशन मेरे रिखणखाल ब्लॉक में सन 1978 में बहुत ही भयंकर नदी आई जिसमें कहीं गांव तहस नहस हो गए। तो भाई जी ने उस समय बहुत युवा जवानी में थे, कितने साल के रहे होंगे, 25 साल के लगभग थे 1978 में। तो सुनिए उनका गाना उन्हीं की जवानी कि वो दौर उन्होंने देखा। और हाँ कोई बात नहीं, दो चार लाइने हम क्योंकि 78 के गाना बना हुआ तो स्वयं याद नहीं रहता हमें कल क्या खाया ये याद नहीं रहता, तो वो तो 1978 के बाद है। तो सुनते हैं डायरेक्ट उनके साथ। सन 78 में माजी काना साल आई, सन 78 में माजी काना साल आई, सिद्धपुर मलदार गाड़ियों सारा बोगी आई, सन 78 में माजी कन साल आई, सिद्धपुर मलदार गाड़ियों सारा बोगी आई, बखरियों कुतान माजी बाक हरियों कुतान, जोर से थोड़ा, बखरियों कुतान माजी बाक
रियों की ताना सार्या गोट माजी वना खाली कर गया सना 78 माजी कान साल आई सितपुर मलदार माजी गाड़ियों बोगी आई लखों कनो ना माजी गोरी चराला लखों कनो ना माजी गोरी चराला सितपुर मलदार माजी क्या क्या कराला सितपुर मलदार माजी गाड़ियों बोगी आई गोर चरा की माजी लोग घर आनी गोर चरा की माजी लोग घर आनी सितपुर मलदार गाड़ियों गोट बोगी आई सन बहुत ही अच्छा गाना इस समय भारत सिंह गुसाइन जी बड़े भाई जी के द्वारा कौन मिला जाए रूड़ा के जाए रुको रुको किला वो तो कोई काम कर पता से कोई काम को नाम तहसील जी दो दो ये बिल से जी दो दो मैं तहसील पर कौन मिला जाए हैं रुको रुको बुरा बोल के मैं भी बोलते थे दोबारा कहीं हुए नहीं ये बोल तो क्या कौन छाओ सुना दी तेरे दी पंक्ति दूसरे टाइम फिर भी थोड़ा बहुत याद हो दी पंक्ति अरे इन पंक्ति की कहना अब जब बनो ना तो डर ना ना फिर हर कुछ ही जब वे तो कर रहे हैं सुनो हो तसिला म्यारो बिचारो खाली न हुए कभी खाली न हुए कभी त्यारा खातिर मिल तसीला औलाद पाओ अपरी औलाद पाल अपरी तुम्हें जब इन चीजें बना दो तिले धारू बोला आगेली बगेली मुसुआ गेली भगेली खिचनी है सोने मुसु दातोड़ी दगे जगाने मुसु तिले दारू बोला बीवी बच्चे घर दोस्तों आज आपने सुना बड़े भाई भारत सिंह गुसाइन जी के मधुर आवाज में मधुर कंठ में बहुत ही सुंदर सुंदर पुराने गीत और 1978 में जो बोगनी हुई थी जो नदी का बहाव इतना तेज था कि 3-4 गांव इसमें पूरे डूब चुके थे तो उन लोगों को जरूर जरूर याद आई होगी ये वीडियो सुन के। अगर आप सुनोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। 1978 जिन्होंने आंखों देखा ये मंजर देखा था तो प्लीज प्लीज गाइस और मेरे बड़े भाई जी के पास बहुत ही ज्ञान के सागर है। इनके तो न जाने कितने जवानी से लेके अभी तक 60 साल उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो इनसे रूबरू कराएंगे आपको हर एक वीडियो में मिलेंगे इनसे और सीखेंगे कुछ। संगीत ही एक ऐसा है कि जो दो संगीत के लिए कोई भाषा नहीं होती, संगीत बस दिल की आत्मा होती है, अंतर आत्मा होती है और मन में बस जाती है। भले ये संगीत हमारे गढ़वाली बोली में है पर लेकिन मुझे विश्वास है अगर आप लोग इस तर्ज की हिंदी की धुन सुनोगे या हिंदी में मतलब समझोगे तो आपके आंखों में भी आंसू आएंगे। दोस्तों आज आपने सुना
भारत सिंह गुसाई जी के सुंदर मधुर कंठ से सुंदर सुंदर उनके स्वरचित गीत। और दोस्तों आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, और जितने भी नए व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ऐसी प्रतिभाओं को लाएंगे और व्लॉग बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और घंटे का जो लाल बटन है ना उसको दबाना ना भूलें, प्लीज़ उसको भी दबाएं, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले आए और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देखिए। तो ओके गाइस चलते हैं, बाय बाय।